आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज के इस महासंयोग के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास उपाय के बारे में बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, जब भी आपका भाग्य चमकता है तो आपने देखा होगा या आपने फील या महसूस किया होगा कि आपका मन खुद ही शांत रहने लगता है, खुद ही आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस करने लगते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों ओर बढ़ने लगती है और कोई भी चीज आपको आसानी से नेगेटिव नहीं बना पाती है। यही संकेत होता है कि अब आपकी किस्मत अच्छी चल रही है। लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी आपका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाता है। यह संकेत है कि आपको इस समय में बिल्कुल भी संभल कर चलना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अगर आप इनको फील कर लेते हैं तो आपकी तरक्की आपके आगे पीछे ही घूमती रहेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं को आने से पहले ही टाल सकते हैं। और काफी बार आप खुद अपने खुद को ही देखा होगा कि जब भी आपका मन घबराता है या मूड खराब रहता है तो आपको पहले तो अचानक से कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने संकेत को सही से नहीं समझा था, सही से पहचाना नहीं था, सही समय पर आप संभल नहीं पाए। लेकिन जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपका मन खुश होता है। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए हम बात करते हैं उपाय के बारे में। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी किस्मत प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सफलता प्राप्त करने और अच्छी किस्मत प्राप्त करने के दोनों के ही उपाय बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप अपनी किस्मत को और भी ज्यादा कैसे चमका सकते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने जो भी देवी देवता हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम आज के इस उपाय के बारे में। हर बार फिजूल खर्च आपका होता रहता है या फिर आपका पैसा आपके पास कभी टिकता ही नहीं है, ऐसी समस्या अगर आपके जीवन में रहती है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए और इस समय आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए बहुत से लोग बहुत लंबे समय से प्रयास करते हैं और इंतजार भी करते हैं। आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक हरे रंग का कपड़ा लेना है। एक हरे रंग का छोटा सा कपड़ा लें, या फिर आप रुमाल के साइज का कपड़ा ले सकते हैं या फिर आप रुमाल भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको कपड़े के साथ साथ आपको एक 10 रुपए का सिक्का लेना होगा। अगर आपके पास 10 रुपए का सिक्का ना हो तो आप 5 रुपए का सिक्का या 1 या 2 रुपए का सिक्का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो यूज करने वाले हैं सिक्का, वो आपका सिक्का ही होना चाहिए, आपको नोट नहीं लेना है। और इसके साथ ही आपको चाहिए तुलसी के 5 पत्ते। अब आपको क्या करना है, आप जो हरा कपड़ा लेंगे उसके बाद आप इस सिक्के को साफ करेंगे। अगर ये सिक्का गंदा हो तो आप इसे नींबू या फिटकरी आदि से अच्छी तरह से साफ कर लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने सिक्का नया लिया है या पुराना लिया है, सिक्के के नए या पुराने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका साफ होना जरूरी है, आपको इसे साफ कर लेना है। इसके बाद आपको यह सिक्का लेने के बाद हरे रंग के कपड़े को नीचे बिछा लें, उसके बाद उसमें बीच में 2 तुलसी के पत्ते रखें। उसके बाद आपको 10 रुपए का सिक्का रखना है। इसके बाद उसके ऊपर आपको बचे हुए तुलसी के पत्ते रखने हैं। इसके बाद इनको बांध लें कपड़े में। कपड़े को आपको इस प्रकार से बांधना है कि बांधने के बाद एक पोटली जैसी बन जाएगी, और इन दोनों चीजों को अब आपको कपड़े में बांधना है। और इसके बांधने के लिए आपको उसमें गांठ लगा देनी है उसी कपड़े से। और उसके बाद दोस्तों, आपको इस कपड़े को यानी कि इस पोटली को ले जाना है अपने घर की छत पर, जहां पर भी पानी की टंकी हो, यानी कि ऐसी टंकी जहां पर आप पानी भरते हैं, आपकी छत पर उस पोटली को अपने घर की पानी की टंकी में आपको फेंक देना है, जहां से आपके लिए नहाने का पानी आता है उस टंकी में ही आपको यह फेंक देना है। ऐसा करने से जब भी आप पानी का इस्तेमाल करते हैं और घर के लोग उस पानी का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उन लोगों में और आपके अंदर आपको बदलाव महसूस होगा, बहुत ज्यादा बदलाव होने लगता है। इससे बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं, इससे आपका मन शांत रहने लगता है और आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी बने रहती है, और आपके पॉजिटिव एनर्जी बने रहने से आपके घर में तरक्की होती है, आपका भाग्य आपका साथ देता है।
और आपके साथ साथ आपके घर में जो अन्य लोग हैं उनकी भी अनेकाएक उनके आसपास भी पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है, जिससे वह भी सफलता प्राप्त करने लगते हैं। घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। इसके साथ ही मैं आपको एक और सिक्के का उपाय बताता हूँ। यह सिक्के का उपाय आपको ऐसे करना है कि आपको कोई भी सिक्का ले आए, 1 रुपए का सिक्का ले, 2 का सिक्का ले, या 5 रुपए का या 10 रुपए का, जो भी सिक्का आपको मिल जाए वह सिक्का ले लें। इसको लेने के बाद पहले की तरह आपको यह सिक्का साफ कर लेना है। फिटकरी और नींबू से आपको इसको साफ कर लेना है। और इसके बाद जब भी आप शाम को पूजा करेंगे तो पूजा में यह सिक्का आपको रखना है। उसके बाद अपने इष्ट देव को, जिन्हें भी आप अपने इष्ट देव मानते हैं, उनको और भगवान को अपने घर में पूजा करें। और इस पूजा जब आप पूजा करेंगे तो इस सिक्के को अपनी पूजा घर में ही रखना है। उसके बाद जब आप अपनी पूजा कर लेंगे, उसके बाद आपको इस सिक्के को लेना है। और इस सिक्के को लेने के बाद आपको इससे अपने घर में, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सबका हाथ इस सिक्के से लगवाना है। अगर आपके घर में 4 परिवार के सदस्य हैं, तो आपको चारों से आपको इस सिक्के पर हाथ लगवाना है। अगर 5 यानी कि जितने भी सदस्य आपके परिवार में हैं, उन सब से आपको इस पे हाथ लगवाना है। उसके बाद इस सिक्के को आप अपनी बालकनी में आने के बाद, या तो किसी खाली जगह पर या फिर खंडर में आप जा सकते हैं, ऐसी जगह पर सिक्का आपको अपने पीछे की ओर फेंक देना है। अपने सिर के ऊपर से पीछे की तरफ आपको यह सिक्का फेंक देना है। अगर आप किसी खाली जगह पर बालकनी में या फिर किसी भी खंडर में नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर की छत पर जाएं और इसे अपने सिर के ऊपर से पीछे की ओर फेंक दें। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर छत यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप इस सिक्के को किसी भी खंडर या फिर सुनसान पड़ी हुई जगह पर जाकर के फेंक सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह सिक्का आपके सिर के ऊपर से होता हुआ पीछे की तरफ आपको जाना चाहिए और आपको पीछे की तरफ नहीं देखना है। तो इस तरीके से आप जैसे ही सिक्के का उपाय करते हैं तो आपको बदलाव महसूस होने लगेगा। आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी इसके साथ ही चली जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इससे आपके घर में तरक्की का वातावरण बना रहता है और आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और अब हम लास्ट में जान लेते हैं खास बातें जो मैंने आपको बताया था। अगर आप अपने इष्ट देवी या देवता को, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों के जीवन में सुख दुख का आवागमन तो बना ही रहता है, यह हम समझाते हैं। और इन्हीं दुखियों और सुखों से मुक्ति पाने के लिए इंसान भगवान की शरण में जाता है। अक्सर देखा जाता है जब इंसान की जरूरत होती है, सबसे पहले भगवान की शरण में जाता है और हर संभव तरह से पूजा पाठ का भोग लगाकर दान पुण्य करने की भरपूर कोशिश करता है। देखा जाए तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और ऐसा केवल आजकल से ही नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा पुराण है। मनुष्य प्राचीन समय से ही कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करता है, अपने पितरों की पूजा करता है, या जिस भगवान को भी मानता है उनकी पूजा करता है, ताकि वह अपने कार्य में सफल हो सके। आज मैं आपको ऐसा ही बेहद सरल उपाय बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने इष्ट देवी देवता या भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात नित्य प्रतिदिन अपने देवी देवता के सामने बैठकर उन्हें प्रणाम करके, अगर उनका कोई भी आपको मंत्र पता है या मंत्र जानते हैं, तो उनका मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप इनका मंत्र नहीं जानते हैं, तो दिन प्रतिदिन उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें। यदि आप नियम से हर रोज ऐसा करते हैं, तो आपकी प्रार्थना जल्दी ही स्वीकार हो जाती है। आपको चाहिए कि समय समय पर अपने देवी देवता के लिए आप घर में हवन करवाया करें। जब भी आपको समय मिले तो यह करना जरूरी है। इसके बाद अगर संभव हो सके तो आपको क्या करना चाहिए, जो जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, आप उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको एक समय पर आपको यह नियम बना लेना चाहिए कि आप महीने में एक बार या साल में एक बार अपने इष्ट देवी देवता के नाम से कुछ गरीब लोगों को भोजन कराएंगे या ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। ऐसा करने से इष्ट देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यह भी ध्यान दें कि आप जिस भी देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि प्रतिदिन या फिर कुछ निश्चित समय पर उन देवी देवता के नाम पर मंदिर या आसपास के गरीबों में अन्न और वस्त्र का भी आप दान करें।
यह हो सकता है कि आप महीने में एक बार करें, 6 महीने में एक बार करें, या 3 महीने में एक बार करें, या साल में एक बार करें। आप अपना एक रूटीन बना लें और इस उपाय को करने से आपको इष्ट देवी देवता आपके सामने भगवान की कृपा बहुत ही जल्दी मिलने लगती है और वह आपसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आपके इष्ट देवी देवता सदा आप पर कृपा बनाए रखते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।